शिल्पा शेट्टी को उनके फिटनेस के लिए जाना जाता है और अक्सर ही शिल्पा शेट्टी योगा सिखाती हुई और योगा करती हुई नजर आती है। और ऐसे में शिल्पा ने अपना जो ऐप लॉन्च किया है योगा डे पर, उसके बारे में बताती हुई नजर आई। मैं तो योगा को रोज सेलिब्रेट करती हूँ, ये आप जैसे लोगों के लिए है इंटरनेशनल योगा डे। जो अहमियत नहीं देते योगा को, अपने हेल्थ को अहमियत नहीं देते, उन लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ाने के लिए मोदी साहब ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने का। योग एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ही लाभदायक है। इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं मैं पर्सोनिफाइड होकर दिखा रही हूँ आपको। तो आई रियली फील दैट एवरी वन शुड अवेल ऑफ इट, और सिर्फ योगा इंटरनेशनल योगा डे पे ही नहीं, बल्कि योग को अपनाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में और इसके बेनिफिट्स पाएं। मैंने इस ऐप को इसीलिए तैयार किया उन लोगों के लिए जो सही दिशा शायद जिनको पता नहीं है कि किस दिशा में जाना चाहते हैं, यू नो दे आर कन्फ्यूज अबाउट हेल्थ अबाउट फिटनेस। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, लोग समझते हैं कि योगा करने के लिए यू हैव टू बी रियली रियली फ्लेक्सिबल। ये सारी जो गलत फहमियाँ हैं उसे दूर करने के लिए और इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन लाइफ। और ख़ास तौर पे उन लेडीज़ के लिए जो प्रेगनेंसी के बाद इनसिक्योर हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते हैं, उस नज़रिए से मैंने इस ऐप को पूरा तैयार किया, टॉकिंग अबाउट योगा फिटनेस हेल्थ ऑल एनकम्पसिंग। तो आई दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड द ऐप। बॉलीवुड के लव बर्ड रणवीर और आलिया वापस आ चुके हैं बनारस से अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के शूट से। अभिनेत्री सोनल चौहान को स्पॉट किया गया योगा क्लास से आते वक्त।